शक्कर से भी मीठी, शक्कर से भी मीठी होती है मैत्री, जरा खोलकर तो देखो। और इन बंद आंखों से प्रथमा जरा खोलकर तो देखो, इन बंद आंखों को प्रथमा जरा खोलकर तो देखो, जिंदगी सुधर जाएगी तुम्हारी। जरा दिल से इस जुबा से जय भीम बोलकर तो देखो, क्योंकि जय भीम से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है, जय भीम से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है, और जो भीम का नहीं वो इंसान नहीं है। यूं तो पूछते हैं लोग पत्थर को, यूं तो पूछते ही रहते हैं लोग पत्थर को, मगर मेरे भीम से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। इसलिए बोलो जय भीम। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे हमारे अच्छे मित्र लाल जी, और बहुत ही अच्छा आनंदित वातावरण बना रहे हैं। और संचालन ये महत्वपूर्ण होता है, और इस वातावरण को बहुत ही अच्छा निर्माण करने वाले हमारे धम्म मित्र विनोद जी मित्तोल, बहुत ही उन्होंने सुंदर शब्दों में महामंगल सूत्र का पठन किया है, उनकी भावनाएं उन्होंने उसमें डाल दी है। तो हमें भावनाओं को देखना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भावना है ये बहुत ही अच्छी है ना। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि लेकिन आदमी जो बोलता है तो उसमें उनकी भावना होती है, तो जरूर नहीं है कि कभी कभी शब्द ऐसा कहते हैं कि इधर उधर होता है, नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अगर मान लो एक आधा शब्द इधर उधर होता है किसी का, इनका नहीं हुआ, तो भी उनकी भावना देखना चाहिए हमें, उनकी गलतियां नहीं देखना चाहिए, है ना। तो बहुत ही सुंदर आज का उन्होंने विवेचन संगायन किया है। तो और मैंने मैंने ही कहा था उनको कहने के लिए कि आज महामंगल सूत्र लीजिए, इसलिए कि अपन महामंगल सूत्र का पाठ कर रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि उसके ऊपर बोलना है। इसके पहले पिछले सप्ताह में किसी ने कोई सवाल पूछा था, और वो सवाल था अनागारिक माने क्या। तो दो शब्दों में उनका मैं बताना चाहूंगा, अगर सभी लोग जुड़ गए होंगे, क्योंकि प्रश्न मैंने कहा था कि प्रश्न समय हो गया था, और फोन से न बताते हुए अपन सबको मालूम हो जाएगा तो सबका फायदा हो सकता है, तो इसलिए मैं अनागारिक का अर्थ, उसी में अनागारिक का अर्थ है, अपने को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अनागारिक नागरिक, नागरिक शब्द सुना है हमने, नागरिक माने तो हम लोग नागरिक है ना सभी, और जो नागरिक नहीं अर्थात जो अनागारिक है वो किसी भी देश का किसी भी राज्य का नागरिक नहीं रहता है, वो अनागारिक है, वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी राज्य में जा सकता है, कोई भी देश में जा सकता है, वो नागरिकता जिसकी रहती है वो वहां उसकी नागरिकता स्वीकार करती है, उसको नागरिक कहा जाता है। बाबा साहब ने तो नागरिकता हम अपना संविधान में तो शब्द आपने सुना होगा, और ये आज से नया है, बुद्ध के काल से आ रहा है। तो अनागरिक का अर्थ होता है घर को छोड़कर, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए घर में नहीं रह सकते, तो उसको अनागारिक अर्थात वो उनकी जिज्ञासा रहती सीखने की कि मुझे बुद्ध धम्म का गहराई से अध्ययन करना है, और वो मैं घर में कर नहीं सकता, कोई भी घर में कर नहीं सकता। तो ऐसे समय में वो प्रतिज्ञा लेता है, वो एक दिन की लेता है, दो दिन की लेता है, दस दिन की लेता है, कमिटमेंट रहता है उसका, या एक महीने का लेता है, या एक साल का, दस साल का, या आजीवन, उनके ऊपर निर्भर रहता कि मैं इतने दिन का मैं अनागारिक का पालन करूंगा। तो एक प्रकार का ये जो भिक्षु होते हैं, और भिक्षु के पहले श्रामनेर होते हैं, तो श्रामनेर का भी ऐसा ही रहता है, श्रामनेर भी कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए श्रामनेर होता है, फिर वो अध्ययन के लिए वो अध्ययन करता है, और उनको लगता है कि मैं पांच साल के लिए, एक दिन के लिए, तीन दिन के लिए, पांच दिन के लिए, जो भी है, आजीवन भी श्रामनेर रह सकता है, लेकिन उनको ऐसा लगते लगते उनको लगता है कि अभी मैं भिक्षु बनूंगा, तो फिर उसके बाद भिक्षु की उनकी प्रवज्ञा होती है, प्रवज्ञा कहते हैं, तो उसके बाद में वो श्रामनेर भिक्षु के लिए प्रक्रिया में है। लेकिन श्रामनेर के कुछ बंधन होते हैं, श्रामनेर के बंधन अर्थात उनको भिक्षु के साथ में रहना पड़ता है,
भिक्षु के साथ में अर्थात जो स्थविर होते या भिक्षु होते जो अनुभवी भिक्षु होते उनके साथ में उनको रहना पड़ता है, उनके सानिध्य में उनके अंडर में उनके अधीन रहकर उनको डिसिप्लिन उनके ऊपर काफी मतलब डिसिप्लिन रहता है उनका। 10 शील का तो इनको भी पालन करना है, सबको पालन करना है, अनागारिक को भी पालन करना पड़ता है, लेकिन वो उनके अंडर में रहता है भिक्षुओं के, और ये स्वतंत्र रहता है, ये अनागारिक ये किसी के बंधन में नहीं रहता। इनको खाली गहन अध्ययन करने के लिए ये अपना ये निर्णय लेता है, प्रतिज्ञा लेता है, उसको अनागारिक कहते हैं। जैसे बुद्ध ने धम्मपद में कहा है, धम्मपद में क्या कहा है, असंसठं गहठे अनागारे ही चुभयम। बुद्ध कहते हैं धम्मपद में क्या कहते हैं, असंसठं गहठे अनागारे ही चुभयम अनोकसारी अभिचं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। बुद्ध कहते हैं उसको मैं ब्राह्मण कहता हूं, किसको क्या कहते हैं, असंसटं गहठे, गहठे का अर्थ होता है गृहस्थ, ग्रस्त जीवन जीने वाला, और असंसटं गहठे अनागारी और अनागार अर्थात जो घर छोड़कर जीवन यापन करने वाला अर्थात गृह त्याग करने वाला, एक ग्रह गृहस्थी जीवन जीने वाला और ये गृह त्याग करने वाला, ये दोनों जो बातें हैं ये दोनों के लिए वही लागू है, क्या है, धम्माचरण, क्योंकि वो धम्माचरण करना है उसको। घर गृहस्थी वाला भी अगर घर में रहता है तो भी उसको आचरण करना है, और जो घर छोड़कर गृह त्याग करता है उसको तो आचरण करना ही है, और अगर वो घर छोड़ देता है अनागारिक बनता है और उसकी घर में अगर इच्छा होती है, उसका मन अगर घर के तरफ दौड़ता है तो वो अनागारिक नहीं है, वो अनागार आगार माने घर, आगार माने घर, और अनागार माने बेघर माने संन्यास, तो इसी प्रकार अनागारिक का अर्थ होता है। तो बहुत सारा अर्थ धीरे धीरे उनके ऊपर फिर वो अध्ययन करता है, कहीं भी जाकर अध्ययन कर सकता है, और वो बुद्ध के जो भी शिक्षा है उसका आत्मसात करने के लिए जहां जहां से उनको लेना पड़ता है, जैसे कि वो बुद्ध गया में जा सकता है, कुशीनारा में जा सकता है, लुम्बिनी वन में लुम्बिनी में जा सकता है, और किसी अच्छे जहां उनको एकांतवास लगता है वहां रह सकता है, तो इस प्रकार उनका, लेकिन वो घर में नहीं रहता किसी के, तो ये अनागारिक है। ओके।